नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग दैनिक राशिफल। सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में। 15 सितंबर 2024 रविवार का दिन है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और नक्षत्र है श्रवण। अधिगण नामक योग बन रहा है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:40 तक और राहुकाल का समय शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक। राहुकाल के समय में कोई भी नहीं और शुभ कार्य ना करे विघ्न आ सकती है। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। वृषभ राशि, आज का दिन बहुत अच्छा है। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन के मामलों में आज अनुकूल समय है, लेकिन खर्चों पर कंट्रोल जरूर रखिएगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बना रहेगा। स्वास्थ्य भी ठीक है और आज रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा। संतान को उनके क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। कड़ी मेहनत है करना और तब जाकर व्यवसायी भाइयों को लाभ भी होगा। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आज सफलता उतनी नहीं मिल रही, इसलिए अभी रुक जाइए एक दो दिन। लंबे समय से बिछड़े रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, जिससे उत्साह प्रसन्नता बढ़ेगा। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह की बातें चल सकती है। लव लाइफ तो अच्छा है, क्योंकि शाम को लव के साथ मुलाकात हो सकती है या कॉल पे आप ढेरों बात करेंगे। वैसे दिन की शुरुआत योगा एक्सरसाइज से करें, ताकि आप फिट भी रहें, एक्टिव भी रहें। और जो विद्यार्थी हैं, मेहनत करें, पढ़ाई करें, ताकि आपको सफलता आराम से मिले। धर्म की तरफ भी झुकाव होगा। कार्य क्षेत्र में कारोबार में किसी भी तरह का लापरवाही करेंगे तो नुकसान होगा। आज बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद आज आपका प्रेम जीवन बढ़िया है और अपने लव को खुश रखने में कामयाब रहेंगे। टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम दे सकते हैं। जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में आपको अपने जीवन साथी का सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन इसमें देखिए आसपास समय का अभाव नहीं है, बस थोड़ा सा मन बनाना है। कार्य क्षेत्र में हल्की फुल्की मुश्किलें हैं, लेकिन दिन का जो उत्तरार्ध है वो बहुत अच्छा है। मार्केट में तेजी आएगी, आपका ग्राफ बढ़ेगा, आपका धन आएगा। घर के वरिष्ठ लोगों का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं, लेकिन प्रेम संबंध में थोड़ा सावधानी रखिएगा। संतान के करियर में जो समस्या थी उसका समाधान निकल रहा है और इसमें खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल रख के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। व्यक्तिगत व्यावसायिक क्षेत्र में बैलेंस बनाकर चले। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विचार करें, सफलता जरूर मिलेगी। आर्थिक रूप से आज विवेकपूर्ण रणनीति बनाकर आगे बढ़े और भविष्य में के निवेश और बचत की प्लानिंग करने के लिए यह बढ़िया दिन है। तो आज प्लानिंग करके आप आगे चलकर कुछ बड़ा आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसके बारे में सोच सकते हैं। भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। परिवार में आज किसी बात को लेकर परिवार की शांति भंग हो सकती है। हालांकि संतान के लिए आज आप किसी नए वाहन भी लेकर आ सकते हैं। आपको कानूनी मामलों में थोड़ी बहुत भागदौड़ करनी पड़ सकती है और विवाह या जन्म दिन वगैरह का कोई कार्यक्रम में सम्मिलित होने के भी योग हैं, यानी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित आज होते आप नजर आ रहे हैं। बिजनेस में जो मंदी थी, जो परेशानी है, अब दूर हो रही है। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। सोच समझ कर आगे बढ़ें और जल्दबाजी में कोई भी कार्य आज मत कीजिएगा। वैसे तो आज के दिन नए कार्य में लाभ मिलेगा, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, आपका शुभ रंग रहेगा। क्रीम भाग्य साथ निभाएगा। 75% भाग्यांक आपका 2 है। तो जो विद्यार्थी हैं, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए ध्यान